सो हे दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को फुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने सिंपल फ़ोटो को देखिए, शेयर करेंगे एटोडेस्क एप्लीकेशन में। देखिए ओपन ले रहा है, कितना टाइम लेता है देख लेते हैं। देखिए ओपन हो गया। और देखिए ब्रश में क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए ये वाला ब्रश लेंगे और देखिए सेटिंग देख लीजिए। सेटिंग देखिए कलर रखेंगे, कॉपिक में जाएंगे और देखिए तीसरे नंबर वाले में जाएंगे और ये वाला ब्रश रखेंगे सिल्क और वापस आएंगे और देखिए जाएंगे लेयर में और डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, डुप्लीकेट ने एम्प्टी लेयर और जाएंगे सेटिंग में और सॉफ्ट लाइट कर लेंगे और इस तरह फ़ोटो को जूम करेंगे और इस तरह ब्रश करेंगे फेस में। देखिए कितना मस्त वाइट हो जा रहा है। तो वीडियो इस तरह ब्रश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फास्ट कर देते हैं वीडियो हल्का। देखिए इस तरह ब्रश करेंगे, देखिए कितना ज़्यादा वाइट हो जा रहा है। देखिए पहले कितना ब्लैक था, आप देखिए कितना वाइट हो रहा है। तो देखिए ये वाला ब्रश लेंगे और इसका अमाउंट इरेज कम कर लेंगे और इस तरह देखिए जहाँ लगे कि ज़्यादा हो गया तो वहाँ से हल्का दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए बैक आ जाएंगे। देखिए इस तरह ब्रश कर लेंगे, ज़्यादा वाइट हो जा रहा है तो उसको हल्का मूछ उछ पे ब्रश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। मेंटेनेंस एडजस्ट जो कहें वो ठीक हो जाएगा। देखिए इस तरह ब्रश कर लेंगे, देखिए मूछों पे भी हल्का मूछ तो नहीं है भाई लेकिन कर लेते हैं हल्का। देखिए हो गया। देखिए इधर भी इंट्रेंस कर देंगे, अच्छा से मिला देंगे अच्छा से, बस हल्का हल्का एडजस्ट कर देंगे। लगना नहीं चाहिए कि ब्रश किए हैं, वाइट किए हैं फेस को, मेंटेनेंस कर देंगे। देखिए इसको कम करके अच्छा से ब्रश कर लेंगे। देखिए साइज को मेंटेनेंस करके अच्छा से अमाउंट इरेज को मेंटेनेंस कर देंगे और देखिए जाएंगे फिर से ब्रश में। देखिए यहाँ ज़्यादा हो गया, इसको देखिए इसको फुल कर देंगे अमाउंट इरेज को और देखिए ब्रश कर लेंगे इस तरह। देखिए बढ़ा लेंगे पूरा, देखिए इस तरह ब्रश कर लेंगे। देखिए साइज को बड़ा कर लेंगे और इस तरह ब्रश कर देंगे। देखिए हो गया। तो जाएंगे लेयर में और इसका देखिए पहले था, देखिए ज़्यादा वाइट हो जा रहा है, इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, पूरा नहीं रखेंगे, 75 रख लेंगे, 75 और बैक आ जाएंगे। तो देखिए मस्त लग रहा है, कितना मस्त फेस वाइट हो गया। तो देखिए फ़ोटो सेव कर लेंगे, देखिए ग्लेरी में आ गया फ़ोटो। इसको अब शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, हल्का हल्का नॉर्मल एडिट करेंगे स्नैपसीड में। तो शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ये रहा स्नैपसीड, तो ओपन ले रहा है फ़ोटो। तो वीडियो को फुल देखिए तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह जूम कर लेंगे सेलेक्टिव में जाके और स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस को कम कर देंगे। सब वीडियो में आपको बताता हूँ, इस तरह कर देंगे तो कपड़ा में चमक आ जाएगा सीबी जैसा, एकदम हैवी लगेगा कपड़ा देखने में। तो इसको सब जब एडिट कीजिएगा तब इस तरह अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह कर लेते हैं अच्छा से। फिर से सेलेक्टिव में जाएंगे और इस तरह फेस में फेस को स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस को भी हल्का बढ़ा देंगे। देखिए बिफोर आफ्टर कैसा, हल्का हल्का नॉर्मल एडिट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ देखिए बालों पे भी स्ट्रक्चर हल्का दे देंगे और ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट भी बढ़ा देंगे हल्का। इस तरह डन कर लेंगे।
फिर से जाएंगे और इस बार एम्बिनियस को बढ़ा देंगे, हाईलाइट को देख लेते हैं, साइडों को बढ़ा देंगे, साइडों को बढ़ा देंगे 60%, और फोटो को सेव कर लेंगे। देखिए ग्लेरी में आ गया फोटो। अब शेयर करेंगे फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में, ये रहा लाइटरूम। तो देखिए कब तक ओपन लेता है, देखिए ओपन ले लिया फोटो। तो देखिए दो फोटो है, एक फोटो फोटो ने है, प्रीसेट है। इस प्रीसेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी टाइम लग जाता है लाइटरूम में एडिट करने में, इसीलिए प्रीसेट बना दिए। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और सिंपल से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई झंझट नहीं। तो देखिए लोडिंग ले रहा है, तो थ्री डॉट में क्लिक करके देखिए लोडिंग ले रहा है। अभी नहीं दिया कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, तो देखिए देख लेते हैं कब तक हो जाता है। तो देखिए हो गया, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे और सही का निशान पर क्लिक कर देंगे। और देखिए जो अभी फ़ोटो शेयर किए उस फोटो क्लिक कर लेंगे, वो तो प्रीसेट था, उसको एडिट कर दिए थे पहले ही, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें आके पेस्ट कर देंगे, तो देखिए उसी तरह हो जाएगा एकदम सेम, कोई झंझट नहीं। इसलिए प्रीसेट बना दिए, काफ़ी टाइम लग जाता लाइटरूम में एडिट करने पड़ता इतना देरी, इसीलिए प्रीसेट बना दिए। तो फ़ोटो को आप सेव कर लेंगे, देखिए सेव हो रहा है फोटो। तो देखिए ग्लेरी में आ गया फोटो। अब फोटो को शेयर करेंगे फिर से ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, इस बार फेस स्मूथ करना है। तो देखिए ब्रश में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए ये वाला ब्रश रखना है, काफ़ी मस्त होगा स्मूथ। तो देख लीजिए ये ब्रश स्पंज में, और देखिए सेटिंग देख लीजिए, स्ट्रेंथ को 7 रखेंगे और फ्लो को 2 रखेंगे, बढ़ा लेते हैं 2। देखिए और साइज अपने हिसाब से रखिएगा। तो देख लीजिए इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, और देखिए इस तरह जूम करेंगे फ़ोटो, पूरा फुल जूम करेंगे, साइज को बढ़ाएंगे और इस तरह ब्रश करेंगे। देखिए इस तरह ब्रश करेंगे, इस तरह ब्रश कर लेंगे अच्छा से। देखिए कितना हैवी स्मूथ हो रहा है, देखिए HD स्मूथ हो रहा है। देखिए देखिए इस तरह ब्रश कर लेंगे सभी जगह अच्छा से एकदम। तो देखिए इस तरह ब्रश कर लेंगे अच्छा से, देखिए इस तरह रोटेट करके अच्छा से ब्रश करेंगे, जहाँ ब्लैक आ रहा है वहाँ वाइट की तरफ से ले जाएंगे और मिक्स कर देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस तरह स्मूथ करेंगे धीरे धीरे, तो वीडियो को हल्का फास्ट कर देंगे भाई, तो टेंशन नहीं लीजिए, हल्का फास्ट कर देंगे। आप जान ही गए होंगे कैसे स्मूथ किया जाता है इस तरह ब्रश को मेंटेनेंस करके। तो वीडियो फास्ट कर देते हैं, तो देखिए फ़ोटो स्मूथ कर लेंगे पूरा अच्छा से फुल HD में, देख लिए आप, देख लीजिए कितना मस्त स्मूथ हो गया। इसको मिला लेते हल्का, देखिए मिल गया। तो इसमें जाएंगे डुप्लीकेट लेयर वाले में और हल्का कम कर देंगे, ज़्यादा स्मूथ हो जाता है इसलिए हल्का कम कर देंगे, ब्रश का निशान दिखने लगता है, इसको हल्का कम कर देंगे 2-3%। और देखिए और मर्ज कर देंगे, देखिए मस्त कितना मस्त स्मूथ हो गया। फ़ोटो को आप सेव कर लेंगे, देखिए ग्लेरी में आ गया फ़ोटो। अब फ़ोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, सॉरी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। और देखिए इफेक्ट में क्लिक करेंगे और कलर रिप्लेस में, और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे, आपको थंबनेल में जैसा दिखाए थे वैसा कर लेंगे। देखिए इस तरह था ऑरेंज, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। तो देखिए इरेजर वाले में जाके बैकग्राउंड कर देंगे, तो बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा कलर, तो डन कर देंगे। देखिए हो गया डन। तो आप फोटो को सेव कर लेंगे
ड्रॉ में जाएंगे, देखिए, और थ्री डॉट पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए।